आप इसको पढ़, मैं ये चाहता हूँ आप इसको नोट करें। सो एक एक चीज हम नोट करेंगे, जैसे इस सारी सप्लाई को हम समझाने वाले हैं यहाँ पर। ये हो गया पीपी, बी बैट, वीसीसी। पीपी का मतलब पावर प्लस होता है, पावर प्लस वीडीडी मेन, कैसे वीडीडी मेन बनती है और कैसे ये 1.8 ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय वोल्टेज, ये क्या है क्रिस्टल इतना, ये 32.7 किलोवाट्स कहाँ से मिल रहा है, बूट ट्रिगर सिग्नल क्या होते हैं, पावर आईसी सप्लाई आउटपुट फ्रॉम कहाँ। यहाँ पर मेन चीज है, देखो मेन कंसेप्ट पूरा इन चार पॉइंट पर है, मेरी बात समझना, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान से समझाऊंगा। आपका मोबाइल फोन आईफोन एक्स की बात करता हूं मैं, यहाँ पर आईफोन एक्स 1V8 की सप्लाई अगर आपको ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पावर आईसी का फॉल्ट है, पावर आईसी को आपको यहाँ पर चेक करना है। तीसरा स्टेप यहाँ पर पावर आईसी है जो कि बूट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये वोल्टेज आपको चेक करना है। बदला सर्किट 2 में हमने पावर में पहुंचा, सर्किट 3 हमने स्टैंड बाय 1.8 वोल्टेज पावर के आउटपुट वोल्टेज हमने निकाले। बहुत से लोग बोलता था पावर एसी का आउटपुट वोल्टेज पता करना है, पावर एसी का आउटपुट वोल्टेज पता करना है, तो अभी फिलहाल पावर के आउटपुट वोल्टेज 1.8 स्टैंड बाय वोल्टेज है जो कि हमको यहाँ पर 4 में आपको पावर की पे मिलना चाहिए, जो कि आप बूट टिकर करेंगे तो छठवा पांचवा पॉइंट ये बन जाता है, और छठवा पॉइंट बन जाता है कि ये क्रिस्टल पावर एसी के लिए फ्रिक्वेंसी बना रही है कि नहीं बना रही है। अब इसके बाद आपको चेक करना है पीएमयू, इंडिया का मोबाइल इंस्टीट्यूट कौन है, भी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत नगरवाल है, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, कैस करेंगे क्या नहीं, आपको बताने वाला हूं आईफोन एक्स बूट सर्किट। जी हां, आईफोन एक्स बूट सर्किट हिंदी में अभी तक पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल यूनिक सब्जेक्ट है। यहाँ मैं पूरी क्लास में किस तरीके से जो पढ़ाता हूँ, जो आईफोन की क्लास की बात कर रहा हूँ, एक्स में जो बूट सर्किट किस तरीके से होता है, तो वो पूरा सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आईफोन में पावर आईसी को वोल्टेज मिलते हैं, कैसे वो पावर सीपीयू को वोल्टेज मिलता है, कैसे जो मेन जो डाटा की लाइन कहाँ से आती है, रिसेट की लाइन कहाँ से आती है, या फिर मैं बात करूँ वो जो क्रिस्टल आईसी होती है वो कैसे परफॉर्म करती है, किस तरीके से I2C लाइन काम करती है। ये तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, पर ये वही देख सकता है जो इंटरेस्टेड हो, जो नॉलेज रखना चाहता हो, तो सिर्फ आईसी लगाना निकालना नहीं, जो वाकई में अपने कस्टमर के मोबाइल को बनाना चाहता है। सो आईफोन एक्स बूट सर्किट अगर आपने ये समझ लिया तो आप दैट आईफोन एटलीस्ट बना लोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कहाँ वोल्टेज मिलने चाहिए, कहाँ वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए। इस सेक्शन में इतने सारे सेक्शन इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेक्शन में बताने वाला हूँ कि पावर की कैसे काम करती है, इस सेक्शन में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो मेन मॉस्फेट है वो कैसे काम करता है, कैसे नैनो के वोल्टेज मिलते हैं, किस तरह से हमारा जो फंक्शन है पूरा आईफोन का बूट सर्किट काम करता है। तो ये जरूर देखिएगा बूस्ट वोल्टेज जो आईसी होती है वो क्या होती है, वो क्यों काम करती है, जो हमारी बैटरी कनेक्टर की बाकी की सप्लाई होती है वो क्या काम करती है। तो ये सारी चीजें समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मेरे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये वाला जो मेरा वीडियो है इसको जितना हो सकता है लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपसे भी ये सोचेंगे मेरे तक सीमित रहे, मुझे नॉलेज मिल जाए। दोस्तों और भी लोग हैं जिनको अगर आप इनको नॉलेज मिलेंगे, हो सकता है कि उनसे भी आपको कुछ नॉलेज मिल जाए। सो ये वीडियो पूरा देखिएगा, यहाँ मैं बताने वाला हूँ आईफोन एक्स बूट सर्किट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मेन जो आईसियाँ हैं वो आईफोन में काम करती हैं। तो देखो, जैसे जैसे मैं वीडियो में बोलता जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ ताकि आपको बहुत आसान हो, आपको समझ में आए। अगर आप कॉपी पेन ही लोगे तो सारी चीज़ें हैं आपके लिए बेकार हैं, आप भूल जाओगे। सो सबसे पहले आप मेन जो पॉइंट बनाते हैं, हम भी बनाते हैं कि कौन कौन सी आईसियाँ मेन हमारे फ़ोन को चालू करने के लिए काम करती है। तो पहला तो है CPU, जैसे कि आपको दिख रहा होगा CPU आईसी, जैसे कंट्रोलर। अब कंपनी का एक मालिक है, कंपनी का जो मालिक है, अगर कंपनी का मालिक ही आना बंद कर दे तो भाई ऑर्डर किसको, ऑर्डर कौन देगा कि भाई ये काम करो, ये शेयर खरीद लो, ये कंपनी खरीद लो, ये कंपनी बेच लो, इनको इतनी सैलरी दे दो, फलाना कर दो, दिखाना कर दो, इस आदमी को हायर कर लो, उस आदमी को हायर कर लो। तो जितने भी ये कॉम्पोनेंट जो लगे हुए हैं, ये सारे अगर मैं बात करूँ, सब वर्कर है, तो ये मेन आपका मालिक है, ये आपका हेड है, ये आपका ऑनर है। सो मेन CPU, उसके बिना तो फोन बूट होने की सोच भी नहीं सकते। अब जैसे कि हम बात करते हैं, दूसरा है पावर आईसी।
पावर एसी की क्यों, क्यों पावर एसी क्या काम करती है? तो पावर एसी की बात कर रहे, कंपनी को अब मैंने इतने सारे लोगों को तो बिठा के रख लिया है, ये मेरे पास मैनेजर हो गया, ये मेरे पास में सेल डिपार्टमेंट हो गया, ये मेरा बाद में फलाना फलाना डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, पर मुझे उनको देने के लिए सैलरी नहीं है, मेरे पास में फंड नहीं है, मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो मुझे खरीदने के लिए मेरे पास में जगह नहीं है, मेरे पास में दुकान अपनी शो ऑफ करने के लिए दुकान के लिए पैसा नहीं है, तो मेन पैसा, सो फंड जब तक नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही वोल्टेज, जब तक कि आप इन सबको एक एक निश्चित वोल्टेज नहीं देते तब तक ये काम नहीं कर सकती है। वैसे ही आपका जो दूसरा मेन आई से वो है पावर, पावर का काम वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ताकि जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी आईसी लगे हैं सब अपने स्तर पे काम करें और अपना बेहतर आउटपुट निकालें, कि जो जितना है, जैसे अगर बूस्ट वोल्टेज बनाना है तो बूस्ट वोल्टेज बनाएं, वोल्टेज को डाउन करना है कम करना है, डीसी कन्वर्टर लगाया तो डीसी कन्वर्टर से वोल्टेज को कम करें, मॉसफेट लगाया तो प्रोटेक्शन करें, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पावर आईसी के थ्रू वोल्टेज को अपकमिंग हम मिलती है, जो पावर आईसी से हमें मिलती है। तीसरी हम बात कर रहे हैं जो मेन आईसी है, जो आईफोन एक्स की बात कर रहा हूं, तो वो है वोल्टेज बूस्ट आईसी। अब वोल्टेज बूस्ट आईसी क्या काम करती है ये मैं आपको पूरा सर्किट में बताऊंगा। देखिए मैं आपको, मैंने इस तरह के पूरा एक सर्किट बना के रखा हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये पूरा सर्किट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो यहां पे वोल्टेज बूस्ट आईसी के बारे में बताऊंगा, ये बहुत मेन है, ये आपकी बैटरी की लाइफ को बढ़ाती है, तो हम बात करेंगे, ये भी आपका बूट होने के लिए बहुत मेन आईसी है। तीसरा हम बात करते हैं, चौथा हम बात करते हैं नैंड, नैंड फ्लैश चिप बोलते हैं इसको, यह इसमें हमारा डाटा रहता है, जो भी हमारा मोबाइल का डाटा है वो हमारा इस आईसी से हमें सीपीयू को मिलता है, तो मेन है ये नैंड आईसी। और जो भी हम डाटा की बात करें, सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका आईओएस जो वर्जन है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें ही आपको देखने को मिलेंगी नैंड चिप में। तो हम यहाँ बात करेंगे नैंड फ्लैश चिप की, कि इसको कितने वोल्टेज मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं और किस कंपोनेंट से मिलते हैं, किस सप्लाई से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकली हैं, जब आप क्लासेस आएंगे तो आपको और भी अच्छे से इसको समझाया जाएगा और प्रैक्टिकली इसको करवाया जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो। खैर, तो पांचवा जो मेन है वो है बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्योंकि बैटरी कनेक्टर क्यों मेन है, अभी मान लो अगर बैटरी कनेक्टर ही लूज हो जाए, ये पिन टूट जाए या लूज हो जाए, या जो कनेक्टर है जो स्ट्रिप है ऊपर उठ जाए, तो फोन चालू होगा नहीं। सो ये मेन पांचवा पॉइंट है। तो अब हम बात करते हैं ये पांच पॉइंट के, तो हमने बात कर ली। आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं यहाँ पर, आप इसको पर मैं ये चाहता हूँ आप इसको नोट करें। सो एक एक चीज हम नोट करेंगे, जैसे इस सारी सप्लाई को हम समझाने वाले हैं यहाँ पर। ये हो गया पीपी, बी बैट, वीसीसी। पीपी का मतलब पावर प्लस होता है, पावर प्लस वीडीडी मेन, कैसे वीडीडी मेन बनती है और कैसे ये 1.8 ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय वोल्टेज, ये क्या है क्रिस्टल, इतना ये 32.7 किलोवाट्स कहाँ से मिल रहा है, बूट ट्रिगर सिग्नल क्या होते हैं, पावर आईसी सप्लाई आउटपुट फ्रॉम कहाँ से, पावर सप्लाई जो आउटपुट मिलता है पीएमयू से वो कौन सा है, और जो सीपीयू को मिलता है, जो सीपीयू को 15 सेट ऑफ जो पावर मिलता है या 3 सेट टू नैंड मिलता है, क्रिस्टल जो 24 मेगाहर्ट्ज़ का कैसे काम करता है, सीपीयू को किस तरह से क्यों काम करने के लिए ज़रूरी है, रिसेस सिग्नल क्या होते हैं, सीपीयू को डाटा कहाँ से मिलता है, या कंट्रोलिंग, या सीपीयू पीएमयू को किस तरह से दो लाइनों से कंट्रोल कर सकती है। सो ये पूरी चीज़ें समझने वाले हैं। यहाँ पर मेन चीज़ है, देखो मेन कंसेप्ट पूरा इन चार पॉइंट पर है, मेरी बात समझना, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान से समझाऊंगा। आपका मोबाइल फोन आईफोन एक्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, आईफोन एक्स आपका यहाँ पर चार जो मेन कंटेंट से जुड़ा हुआ है। तो पहला जो मेन कंटेंट है वो हम बात करते हैं पावर, कि अगर पावर नहीं होगा तो आईफोन एक्स तो डैडी मानो। दूसरी है ये फ्रिक्वेंसी क्लॉक, और तीसरा है एक रिसेट सप्लाई, और चौथा है मेन डाटा। सो ये चार चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, चार चीज़ें बराबर चलनी चाहिए हर जगह, जहाँ इसको सप्लाई चाहिए जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पे होना चाहिए, तो बेसिकली फिर ये आपका 100% बहुत अच्छे से काम करने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये चार बहुत मेन है, तो हम इन चार की पूरी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर। तो बैटरी कनेक्टर से सबसे पहले अगर हम बात करें, चार पिन का आपका बैटरी कनेक्टर है, जिसमें एक पिन जो आपकी मेन, जैसे आप बैटरी लगाते हैं तो एक आपको वोल्टेज यहाँ पे पास होना चाहिए, जो आपको मेन चार्जिंग आईसी पे मिलना चाहिए। सो वोल्टेज आपको चार्जिंग आईसी पे मिलना चाहिए, मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। सो ये इसकी बैटरी नंबर की, एक नंबर की पिन है, और उस वोल्टेज का जो हम सप्लाई का नाम बोलेंगे पीपी, बी बैट, वीसीसी। सो अभी जो मैं बात करूँगा वो मैं बात करूँगा यहाँ पर, जो अभी मैं बात करने वाला हूँ
वो मैं बात करने वाला हूँ, पीपी बीबेट वीसीसी की बात करने वाला हूँ। तो ये क्या वोल्टेज है, जब आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी कनेक्टर से जो आपको 3 से 4.2 वोल्टेज के लगभग मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको एक नंबर की पिन से, जो आपके सीधे जाते हैं चार्जिंग आईसी में, जो U3300 या आईसी, इसको ट्रेस्टर आईसी भी बोलते हैं। सो ये जो सप्लाई है ये डायरेक्टली आपके पावर में नहीं जाती है, ये चार्जिंग आईसी इसको कन्वर्ट करता है और ये तरह से ट्रांसफर करता है एक वोल्टेज को, और ये ट्रांसफर करता है और सप्लाई का नाम जो दे देता है वो दे देता है वीडीडी मेन। तो स्टेप वन आपका ये होता है, स्टेप वन ये होता है कि अगर मैं इसमें देखिए एक नए तरीके से यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आते हैं कुछ सीट पे और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सप्लाई काम करती है। मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्टर बनाया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आप यहाँ पर बैटरी कनेक्टर देख रहे हैं। प्लस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो लाइन यहाँ पर जा रही है, ये जैसे आप बैटरी लगाते हैं वैसे ही आपके मेन एक चार्जिंग आईसी को, पहले चार्जिंग आईसी को सबसे पहले ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर जैसे देखिए एक यहाँ पर एक आईसी बनाया मैंने, ये आईसी, और इसका मैंने नाम दिया है पीएमयू, ये पीएमयू आईसी है। यहाँ पर मैं एक आईसी बना रहा हूँ और इस आईसी का नाम मैं दे रहा हूँ बूस्ट वोल्टेज आईसी, देखा आपने, ठीक है। एक यहां पर मैं एक आईसी बना रहा हूं, इस आईसी का मैं नाम दे रहा हूं सीपीयू, और एक सीपीयू के नीचे मैं एक आईसी बना रहा हूं, ये ब्लॉक एक आईसी, इस आईसी का नाम दूंगा मैं नैंड फ्लैश आईसी। सो इस तरीके से मैंने यहां पर इतनी आईसी बनाई। कौन कौन सी अगर मैं आपको डिटेलिंग में समझाऊं, एक मैंने चार्जिंग आईसी बनाई है, एक बूस्ट वोल्टेज, एक पीएमयू, एक मैंने सीपीयू बनाया है, एक मैंने बनाया है नैंड। अब किस तरीके से, अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेन आईसियां हैं, जो आपकी 1, 2, 3, 4, 5 आईसी, यही मेन आईसियां हैं, इसी से आपका पूरा फोन बूट होना है। तो सबसे पहले बूटिंग के लिए जो मेन जरूरत है, वो जरूरत है आपको बैटरी, जो आपकी चार्जिंग आईसी को जो सप्लाई चाहिए, वो सप्लाई चाहिए इनपुट बीबैट वीसीसी, जो कि ये ट्रांसफर करता है, जो कि ये ट्रांसफर करता है आपका, ट्रांसफर करता है, ये करता है पीपी अंडरस्कोर वीडीडी मेन सप्लाई में, और सेम वोल्टेज, मतलब ये सेम वोल्टेज को ट्रांसफर करेगा, और ये सेम वोल्टेज 3 से 4.2 वोल्टेज को कितने भी हो सकते हैं, पर इसके बीच में ना एक मॉसपैट लगा होता है, इसके बीच में क्या लगा होता है, एक मॉसपैट। बेसिकली इस मॉसपैट, ये मॉसपैट क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्शन आईसी होती है, और ये प्रोटेक्शन आईसी करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि मान लीजिए अगर सपोज पीएमयू के साथ कोई कैपेसिटर लगा है और पीएमयू का ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, तो ये जो शॉर्टिंग है आपकी बैटरी में ना आए, डायरेक्टली इस मॉसपैट से ही आपका बेसिकली प्रोटेक्शन हो जाए, और ये जो भी आपका जो शॉर्टिंग है वो आपके पहले रहे, आफ्टर बैटरी ना आए, तो बैटरी आपकी इसमें फूकने और शॉर्ट होने से बच जाती है। तो यहाँ पर हम बात समझ रहे हैं कि आईफोन एक्स कैसे बूट करता है। तो सबसे पहला जो इसको हम बना लेते हैं, पहला स्टेप है हमारा कि किस तरीके से हमें बैटरी लगाकर हमें चार्जिंग आईसी को एक वोल्टेज सप्लाई मिलती है, वो मिलते हैं पीपी बीबैट वीसीसी, और वही सप्लाई ट्रांसफर होकर जाती है, और ये जो कंडक्ट होती है बाय कॉइल के थ्रू कंडक्ट होती है ये आईसी, ये चार्जिंग आईसी से, तो पीपी वीडीडी मेन वोल्टेज जो जाता है। और ये दूसरा स्टेप हो गया कि ये चीज देखना कि आपको यहाँ पर वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको कुछ कैपेसिटर्स देखने को मिल सकते हैं। और ये जो वोल्टेज हैं, अगर मैं बात करूं, ये वोल्टेज आपके जाएंगे, ये आपकी पावर आईसी के इनपुट वोल्टेज होंगे, बेसिकली ये पावर आईसी के इनपुट वोल्टेज होंगे जो आपकी पावर आईसी के कुछ पिनों पर जाएंगे। यहां पर अगर मैं पावर आईसी की पिनों की बात करूं, तो ये पावर आईसी के बहुत सारे बॉल्स में यहां पर जाने वाले हैं बाया कैपेसिटर। तो आपने देखा कि किस तरीके से, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है, ये चेक करना है कि हमें पावर को हमारा पीपी अंडरस्कोर वीडीडी मेन सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आपको यही सप्लाई नहीं मिल रही है तो आपका फोन बूट होगा ही नहीं, मेरी बात समझिएगा।
तो सबसे पहले बूट होने के लिए मेन आपने बैटरी कनेक्टर से जोड़ा, आपने यहाँ पर चार्जिंग आईसी को जो कि ट्रस्टेड आईसी है इसको आपने बीबैट वीसीसी दिया, जिसने इसको ट्रांसफर करके और एक को एक मॉसपैट के थ्रू, ये मॉसपैट जो यहाँ पर लगा हुआ है जो आईफोन एक्स में लगा हुआ है, ये 3350Q3350 मॉसपैट है जिससे प्रोटेक्शन कर रहा है, और ये VDD और जो कंडक्ट बाया बूस्ट कॉइल जो कंडक्ट हो रहा है बाया बूस्ट कॉइल, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज बना रहा है वो VDD मेन 3 से 4 वोल्टेज जो यहाँ पे आउटपुट बना के भेज रहा है, ये स्टेप 2 है कि आपको यहाँ पर इतने वोल्टेज आपको करीबन मिलने चाहिए। सो देखा आपने किस तरीके से ये यहाँ पे स्टेप 2 यहाँ पे चेक करना है। अब जैसे ही PMU को ये वोल्टेज मिलता है, मेरी बात समझना, अब हालांकि मैं इसको ऊपर के सर्किट में आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहीं पर अगर मैं ये सर्किट आपको दिखाऊं तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने पहले बोला था ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसे थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा। लोग ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं, ऑनलाइन कोर्स में इस जो समझाते हैं वो आपको मैं फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, बस खाली सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जितना हो सकता है वीडियो को पोस्ट कीजिए। सो ये मेन है, यहाँ पर जो बीबैट VCC मिल रहा है वो आपकी चार्जिंग आईसी को मिल रहा है, और ये वो जो मॉसपैट लगा हुआ है कंडक्टेड बाय दिस कॉइल M550, ये बूस्ट कॉइल है, ये आपको ये आईसी इस वोल्टेज को ट्रांसफर करके A2 में डाल के इसको आउटपुट निकाल रही है, जो कि VDD PP VDD मेन है, और जो कि आपका जा रहा है पावर आईसी के इतने सारे बॉल्स में, तो ये सारे बॉल पे आपको बेसिकली यहाँ पर उतने वोल्टेज आपको मिलने चाहिए जितना वोल्टेज है कि मैंने आपको भी बताया था। चलिए बात करते हैं आगे की सप्लाई की। देखिए तो जैसे ही दूसरा स्टेप ये होता है, जैसे देखो यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं जो कि हमारा यहाँ पे भी, अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे भी मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे भी हमने देखा पहला PP BBAT VCC हमारा क्लियर हो गया, PP VDD मेन क्लियर हो गया। अब तीसरा यहाँ पर जो हमारा बनता है वो बनता है PP 1.8 ऑलवेज ऑन स्टैंड बाय, तो ये किस तरह से यहाँ पर बनता है तो थोड़ा सा गौर कीजिए। तो जैसे ही आपके पावर आईसी को इसकी एक इनपुट वोल्टेज आपको मिलता है यहाँ पर, जो कि 3 वोल्टेज से आपका 3.4 वोल्टेज होगा, तो ये क्या करेगा, पावर सप्लाई एक आउटपुट वोल्टेज में भेजेगा, एक आउटपुट 1.8, तो इसको बोलते हैं हम PP 1.8 वोल्टेज, जो आपको इस तरह की सप्लाई लाइन को आपको देखने को मिल सकती है, ये इसको ऑलवेज ऑन स्टैंड, जैसे ऑलवेज ऑन रेल जैसे हम बोल सकते हैं, या स्टैंड बाय वोल्टेज, ये स्टैंड बाय वोल्टेज होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये वोल्टेज हमारे बहुत सारे सेक्शंस को जाते हैं बाया पावर आईसी से, ये हमारे वोल्टेज CPU को भी जाएंगे, CPU को भी हम ये वाला वोल्टेज देंगे, ये वोल्टेज हमारा अगर मैं यहाँ बात करूँ ये हमारे NAND IC को भी जाते हैं। तो ये बेसिकली ये जो वोल्टेज है, दूसरा ये वोल्टेज कहाँ जाएगा अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज बेसिकली आपको जो स्टैंड बाय वोल्टेज है ये जा रहा है, ये आपका पावर की लगा हुआ है और ये ग्राउंड है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक डायोड यहाँ पे लगा होगा और एक यहाँ पर रजिस्टर लगा होगा, ठीक है, और ये सर्किट आपका यहाँ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर इस लाइन पे ये PP 1.8 वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर आपको PP 1.8 वोल्टेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप ये पावर की बटन हो गई, सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये हो गया हमारा बटन power_key, तो जो भी इसकी सप्लाई का हम इसको नाम बोल सकते हैं, तो जो हमारे इसकी सप्लाई का बेसिकली नाम बन सकता है, तो ये बेसिकली जो सप्लाई बनती है ये बनती है button_AP2AP_hold key, ठीक है, कनेक्शन L। सो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो फिर से बात करते हैं, जैसे आपने बैटरी लगाई यहाँ पे आपके 4 वोल्ट बने, चार्जिंग आईसी ने इसको कन्वर्ट किया, एक तरह से प्रोटेक्शन आईसी है, ट्रांसफर है, ये सिर्फ चार्जिंग आईसी नहीं है, ट्रांसफर कन्वर्टर आईसी, DC-DC कन्वर्टर जैसे आप समझते हैं आजकल के एंड्रॉयडो में चलता है, जो इसने इसको VDD मेन बना दिया, और जैसे ही पावर को इतने वोल्टेज मिले, पावर ने एक ऑलवेज स्टैंड बाय वोल्टेज छोड़े जो कि आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं पावर बटन पे। अब क्या होगा, तो ये हो गया इसका तीसरा स्टेप, तो ये हो गया, आपको ये चेक करना है कि आपकी पावर आईसी सही है कि नहीं, तो आपको 1.8 वोल्टेज जहां जहां ये PMU के 1.8 वोल्टेज ऑलवेज PP_V
वन वी एट की सप्लाई अगर आपको ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पावर आईसी का फॉल्ट है, पावर आईसी को आपको यहाँ पर चेक करना है। तीसरा स्टेप यहाँ पे पावर आईसी है जो कि बूट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये वोल्टेज आपको चेक करना है हर जगह। अब और भी जगह जगह मैं इसको बताता रहूंगा। तो अब इसके बाद आते हैं कि जैसे ही हम ये पावर आईसी में भी जाती है, अब आप क्या करते हैं सबसे पहले जब आपके पास जैसे आपके पास फोन आता है तो सबसे पहले आप ये काम करते हैं कि आप अपने पावर की को दबाते हैं। पावर की को दबाएंगे और पावर की से आपका फोन बूट करता है। तो कैसे बूट करता है, तो क्या होता है कि जब आप ये जो सिरा ग्राउंड होता है, जैसे ही आप ग्राउंड को ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई देंगे तो ये कुछ देर के लिए जीरो हो जाएगी, ये कुछ देर के लिए ये सप्लाई जीरो हो जाएगी। तो इसको बेसिकली एक सिग्नल, वेव सिग्नल की तरह हम मानते हैं। कुछ सेकेंड के लिए इस सप्लाई को अगर पावर आईसी में जैसे ही हम इसको जीरो वोल्टेज पर ले आते हैं, कुछ सेकेंड के लिए जैसे हम इसको जीरो वोल्टेज पर ले आते हैं तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं, बेसिकली इसको हम सप्लाई जो बोलेंगे वो बोलेंगे बूट ट्रिगर सिग्नल। सो ये एक तरह से बूट ट्रिगर सिग्नल का काम करता है। तो जैसे ही आप पावर की को इसको दबाएंगे तो ये बूट ट्रिगर सिग्नल आ जाएगा, तो ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा और फिर पावर आपका काम करना चालू कर देगी जो सबसे पहले। तो ये बात करते हैं, ये तीसरा हो गया, ये चौथा नंबर हो गया पावर की। तो पांचवें नंबर पर सबसे पहले पावर ऐसी खुद की फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है जो कि यहां पर एक क्रिस्टल आपको यूज होता है। मैं आपको क्रिस्टल फिलहाल ऐसा बना रहा हूँ, सर्किट नहीं बना रहा, ठीक है, जो कि इस तरह से क्रिस्टल यूज होता है जिस पर, और इस क्रिस्टल को भी आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज की सप्लाई इस क्रिस्टल को भी यहाँ पर मिलती है। और ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल यहाँ पर 13.7 किलो हर्ट्ज का क्रिस्टल यूज हुआ है। 13.7 किलो हर्ट्ज का क्रिस्टल जो है ये क्या काम कर रहा है, ये इस पीएमयू को फ्रिक्वेंसी बना के दे रहा है ताकि पीएमयू आगे बढ़ सके, काम कर सके, कंट्रोल कर सके। क्योंकि बिना क्योंकि सिर्फ पावर से काम नहीं होता है, जब तक कि हम इसको फ्रिक्वेंसी ना दे दें, फ्रिक्वेंसी प्लस पावर मिलके ही सर्किट बनता है। तो मैं फिर से देखो, मैं वीडियो में लंबा कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ पर समझ में आना चाहिए। मैं आईफोन एक्स बूटिंग समझा रहा हूँ कि आपने बीबैट से किस तरीके से वीडीडी मेन बनाया, वीडीडी मेन जैसी पावर पहुँचती है। तीसरा स्टेप ये है कि पीपी 1.8 वोल्टेज मिलते हैं। अब जैसे कि पीपी मैंने आपको यहाँ पर भी स्टेप में बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर भी आपको स्टेप में बता, देखिए तीसरा स्टेप है पीपी 1.8 ऑलवेज ऑन स्टोर, चौथा स्टेप है क्रिस्टल और 32, और यहाँ पर पांचवा है बूट ट्रिगर सिग्नल, जो यहाँ पर ये सप्लाई मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दी है। आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे ये देखिएगा, तो हालांकि मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया यहाँ पर। सो पहला स्टेप हो गया हमारी बैटरी से इसको 4 वोल्ट मिलना और वीडीडी ट्रांसफर होके कि हमें यहाँ पर इन कैपेसिटर पे 4 मिल रहे हैं। तो दूसरा स्टेप और ये हो गया, दूसरा तीसरा स्टेप है कि हमें 1.8 ऑलवेज स्टैंड बाय वोल्टेज मिल रहा है, जो कि हमारा जैसे इसको 4 वोल्टेज मिलेंगे वैसे इसको 1.8 वोल्टेज ये मिल जाना चाहिए। और ये आपको पावर की में मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको बूट ट्रिगर सिग्नल भेजने के लिए इसको कुछ देर के लिए जीरो करना होगा, जो कि आप इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देते हैं तो ये बूट ट्रिगर सिग्नल एक वेव सिग्नल भेजेगा आपको, जो कि हम अलग अलग हम डीएसओ से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। सो जैसे हम इसको वेव सिग्नल हम इसको भेजेंगे और ये जीरो हो जाएगा, तो ये एक तरह की फ्रिक्वेंसी बनाएगा उसके बाद। और फ्रिक्वेंसी आप देख, जैसे कि देख रहे हैं ये स्टैंड बाय ऑलवेज ऑन सिग्नल आपको क्रिस्टल आईसी में भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अगर मान लीजिए ये वाले सिग्नल इसको नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ये बूट ही नहीं करेगा। मतलब आपको ये भी चेक करना है कि क्रिस्टल पे आपको यहाँ पर 1.8 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर नहीं मिल रहा है तो ये आपको बूट नहीं करेगा। अब यहाँ पर 1.8 वोल्टेज ना मिलने के कारण पावर आईसी भी हो सकती है, अब इंटरनली लाइन भी अब ब्रेक हो सकती है, इसके साथ लगा हुआ कोई कॉम्पोनेंट कैपेसिटर ये भी आपका हार्म हो सकता है। सो बेसिकली आपको ये चेक करना है यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज का जो सप्लाई आएगा बाया रजिस्टर के थ्रू आएगा, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा होगा सीरीज में। और अगर मैं यहाँ बात करूँ उसके बाद, ये हम इसको मान लेते हैं चौथा सर्किट, ये हमारा हो गया चौथा सर्किट, ये हो गया हमारा, सॉरी ये हमारा पांचवा हो गया, चौथा पावर की हो गया, और ये हम इसको हम ले लेते हैं छठवा। तो ये बूट ट्रिगर जैसे, तो ये हम, तो हम ये ले लेते हैं पांचवा सर्किट बूट ट्रिगर और ये हम ले लेते हैं छठवा। सो जैसे अब देखो फिर से सर्किट बताता हूँ, सर्किट वन हमने बीबैट टू वीडीडी बदला, सर्किट टू में हमने पावर में पहुंचा, सर्किट थ्री हमने स्टैंड बाय 1.8 वोल्टेज पावर के आउटपुट वोल्टेज हमने निकाले। बहुत से लोग बोलता था पावर एसी का आउटपुट वोल्टेज पता करना है, पावर एसी का आउटपुट वोल्टेज पता करना है, तो अभी फिलहाल पावर के आउटपुट वोल्टेज 1.8 स्टैंड बाय वोल्टेज है, जो कि हमको यहाँ पर फोर में आपको पावर की पे मिलना चाहिए, जो कि आप बूट ट्रिगर करेंगे तो छठवा पांचवा पॉइंट ये बन जाता है। और छठवा पॉइंट बन जाता है कि ये क्रिस्टल पावर आईसी के लिए फ्रिक्वेंसी बना रही है कि नहीं बना रही है। अब इसके बाद आपको चेक करना है पीएमयू टू सीपीयू की सप्लाई। अब देखिए ये थोड़ा सा मेन है,
यहां पर मैंने थोड़ा दूर बना दिया, एक कागज थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा ये वीडियो में नहीं आ पा रहा है, मैं सोच थोड़ा सा हाँ जूम करता हूँ, हाँ आ जाए आ गया। तो अब देखिए जो पीएमयू है वो इसको सीपीयू को 15 सेट, मतलब अगर हम बात करेंगे 15 सेट के अंदर इसको वोल्टेज भेजेगा। 15 सेट जैसे यहाँ पर एक इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 15। सो ये क्या है, ये क्या है, ये जैसी पावर हम ट्रिगर करते हैं जीरो वोल्टेज को और कुछ देर के जीरो होता है तो उस टाइम पर जो पावर आईसी है, ये पावर आईसी उस टाइम पे जो पावर आईसी है, ये पावर आईसी सीपीयू को पावर देता है और सीपीयू को ये 15 इन सप्लाई में ये पावर देता है। बेसिकली ये 15 सप्लाई में आपको जिसमें से एक सप्लाई पीपी 1.8 वोल्ट अंडरस्कोर वही ऑलवेज स्टैंड बाय, ऑलवेज स्टैंड। सो बेसिकली एक वोल्टेज ये सप्लाई है और कौन कौन सी वोल्टेज की सप्लाई है और क्या क्या है तो ये हम देखते हैं थोड़ा सा। सो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको सामने बूट सर्किट के सर्किट में आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम में, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। ये देखिए, तो जैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे ही पीएमयू को यहाँ पर ट्रिगर करते हो आप और यहाँ पर जैसे ही इसको ट्रिगर होते हैं तो वो क्या करता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये देखिएगा। तो पावर सप्लाई आउटपुट फ्रॉम पी, तो जो मेन सीपीयू को मिलने वाली है पीएमयू से, वो यहाँ पे 15 सेट पावर टू सीपीयू। तो 15 सेट क्या मिलने वाला है पावर टू सीपीयू को, तो जैसे कि आप देखेंगे जो पहला है, देखिए नंबर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे 15। तो पहली जो सप्लाई की हम बात करेंगे वो है पीपीवी कोड, जो आप इसको पी कोड भी बुला सकते हैं, हालांकि पी कोड ही बोलते हैं बेसिकली, एंड्रॉयड में हम वी कोड भी पढ़ते हैं इसमें। सो पीपी सीपीयू वी कोड, जहां पे आपको वोल्टेज मिलने चाहिए 0.6 से 1.06 वोल्टेज, जो इस कैपेसिटर से होकर आप यहाँ पे इस कैपेसिटर में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और जिसके बीच में आपको इस तरह से कॉयले, आपको बूस्ट कॉयले, आपको यहाँ पे बक लाइन, जिसको बक लाइन बोल सकते हैं, तो ये बक लाइन होती है यहाँ पर, और ये आपको ट्रिगर दबाने के बाद में आपको यहाँ पर इतना वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई पावर एसी खराब है, या तो इस कॉयल को चेक करना है। ये कॉयल, अगर एक भी कॉयल आपकी ओपन हो गई तो ये आपका फोन बूट नहीं करेगा, तो ध्यान रखना है आपको इतनी सारी कॉयलों को चेक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे लोग बोलते हैं सर हमारा आईफोन एक्स है गिर गया है, मैंने लेयर भी चेक कर लिया, सब चेक कर लिया, पावर आके छोड़ रहा है तो क्या करूं। सो भाई ये वही है, डेड कैसे चेक करें। सो आपको ये सारी बक लाइन, आपको ये जितने भी कॉयल्स नंबर्स लिखी हुई है सारी आपको चेक करनी है कि ये सही है कि नहीं है, या अपने कैपेसिटर में आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे पीपी जीपीयू, ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के जो सप्लाई होते हैं जहाँ पर आपको इतना वोल्टेज मिल रहा है। फिर यहाँ पे एसओसी, ये सिस्टम ऑन चिप की बात करते हैं, ये देखिए वही 1.8 वोल्टेज जो कि आपको हर जगह देखने को मिल सकता है, 1.8 इनपुट आउटपुट वाला एक यहाँ पर मिल रहा है, 1.8 S2 की सप्लाई अलग है, ये इनपुट आउटपुट की सप्लाई है, ये 1.1 S2 की सप्लाई, फिर VDD लो, SoC फेस, CPU RAM, ये बहुत सारी सप्लाई हैं। मैं अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता तो मैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। सो यहाँ पर ये सारी जो लाइन है तो ये सब लाइन पे आपको ये चेक करना है, और इसके साथ ये जो कंपोनेंट है ये सारे कॉइल बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर ये कॉइल एक भी ओपन हुई तो आपका फोन चालू नहीं होगा, और जैसे कि आप ट्रिगर करते हैं तो यहाँ से इतना वोल्टेज होकर यहाँ पर जाता है और वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना वोल्टेज आपको मिलेगा। सो ये सीपीयू को मिलने वाले वोल्टेज हैं। आपने सबसे पहले बैटरी से चार्जिंग को वोल्टेज ले दिया क्योंकि इसको ट्रांसफर करके वोल्टेज को VDD बनाना था, फिर वो वोल्टेज गए पीएमयू पर, पीएमयू ने एक स्टैंड बाय वोल्टेज छोड़ा अपना ऑलवेज स्टैंड बाय, और उसके साथ उसने यहाँ पर देखिए ये इनर लाइन के साथ एक रजिस्टर, मतलब बात करेंगे पीएमयू के अंदर ही होगा। सो यहाँ पर जैसे ही पावर की दबाया तो पावर ने ट्रिगर किया, बूट ट्रिगर जिसको बोलते हैं, ट्रिगर सिग्नल दिए, तो ट्रिगर सिग्नल देखने के बाद पीएमयू फिर एपी को वोल्टेज पास करेगा और वो इन 15 सेट में पास करेगा। और तो ये सारे कॉम्पोनेंट सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूरे मोबाइल फोन में सिर्फ यही कॉम्पोनेंट हैं जो कि सीपीयू टू पीएमयू, जो हम बात करेंगे पीएमयू टू सीपीयू, जिसपे बीच में आपको ये सारे कॉम्पोनेंट चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद जो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे ही 3 वोल्टेज यहाँ पर आपको नैंड को भी पीएमयू देता है। देखिए
तो वैसे ही तीन वोल्टेज नैंड को मिलते हैं, जिसमें से एक वोल्टेज वही मिलता है, अगर मैं यहां पे बात करूं पीपी 1.8 एक वोल्टेज मिलता है, पीपी यहां पर वोल्टेज, और एक वोल्टेज यहां पर मिलता है अगर मैं यहां नैंड की बात करूं पीपी 0 वोल्टेज 9। तो ये नैंड के वोल्टेज है, तो नैंड को रन करने के लिए है, ये ऑलवेज स्टैंड बाय, ये ऑलवेज स्टैंड वाले वोल्टेज है। तो ये तीन वोल्टेज यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये वोल्टेज आपको चेक करना है तो इसके साथ जो कैपेसिटर्स होते हैं वो कैपेसिटर पे आपको ये वोल्टेज चेक करना है। तो यहां पर 1.8 वोल्टेज, 3 वोल्टेज और 0.9 वोल्टेज आपको यहां पे चेक करना है। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तब ये आपकी पावर आईसी का फॉल्ट है। सपोज अगर कोई आपको नैंड का एरर आता है या कुछ भी फॉल्ट आता है, तो आपने नैंड में सबसे पहले नैंड ही नहीं निकालनी है, आपने ये वोल्टेज चेक करना है कि आपको यहां पर ये वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि कितने यहाँ पे वोल्टेज हमने चेक करवाया। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये हमने छठवां पॉइंट लिया था, तो ये हम इसको हम सातवां पॉइंट मान के चलते हैं और इसको हम आठवां पॉइंट मान लेते हैं। सो अब जैसे ही सीपीयू को वोल्टेज मिल जाता है, जैसे ही सीपीयू को वोल्टेज मिल जाता है, सो सीपीयू भी अपनी फ्रिक्वेंसी बनाती है। सीपीयू वैसे ही काम करता है जैसे पावर एसी काम करता है, जैसे पावर एसी ने फ्रिक्वेंसी के लिए क्रिस्टल बनाया था, वैसे ही सीपीयू में भी एक क्रिस्टल आईसी लगी होती है, जो कि आपको ऐसे देखने को मिलेगी, क्रिस्टल आईसी लगी होती है। और ये क्रिस्टल जो होगा 24 मेगाहर्ट्ज़ का लगा होता है आईफोन एक्स में, और ये क्रिस्टल सीपीयू को फ्रिक्वेंसी बनाएगा। अगर ये क्रिस्टल खराब है तो आपको फोन चालू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये क्रिस्टल खराब है तो आपको सीपीयू बूट ही नहीं करेगा, क्योंकि सीपीयू को भी बूट करने की फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आठवां, ये हो गया हमारा नौवां लाइन। अब मैं आपको यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि कितनी कितनी चीज हमें जरूरत है, जैसे हमने बताया हमें पावर की जरूरत है, तो पावर पीएमयू को पावर वीडीडी से मिला, फिर बाद में सीपीयू को पावर अगर हम बात करते हैं ये 15 सेट ऑफ लाइन से मिला, नैंड को पावर ये 3 लाइन से मिला, तो ये सारी 3 लाइन से नैंड को पावर मिल रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं दूसरा हमको चाहिए पावर के बाद क्लॉक फ्रिक्वेंसी, तो पावर आईसी की क्लॉक फ्रिक्वेंसी 32.7 किलो हर्ट्ज है और सीपीयू की क्लॉक फ्रिक्वेंसी है 24 मेगाहर्ट्ज़ है। सो ये भी हमें मिल गई, ये भी हमने चेक किया। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि पावर, क्लॉक और तीसरा, और जो तीसरा पॉइंट है वो रिसेट की लाइन है। रिसेट बेसिकली आपको पीएमयू मतलब आपका पावर आईसी से मिलने वाली एक सप्लाई है, जो जिससे कि आपका सीपीयू, हम बात करें तो गेट इनिशियलाइज, मतलब इनिशियलाइज करने के लिए सीपीयू को रिसेट की लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये लाइन भी चेक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन आपकी सही नहीं होगी, ये लाइन आपकी ओपन हो जाएगी, तो आपका फ़ोन बूट नहीं करेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिसेट के बाद में जो चौथा पॉइंट हमने यहाँ पर देखा था, ये देखा था हमने डाटा। सो डाटा का लाइन, अब डाटा लाइन मतलब जो सीपीयू को डाटा कहाँ से मिलेगा, तो सीपीयू को जो डाटा मिलता है वो बेसिकली मिलता है नैंड से। सो नैंड और सीपीयू के बीच में किस तरह का इंटरफेस होता है, तो वो इंटरफेस को बोलते हैं पीसीआईई इंटरफेस बोलते हैं इसको। अगर हम बात करेंगे पीसीआईई इंटरफेस ही है, ये पीसीआईई इंटरफेस के थ्रू जो नैंड है वो सीपीयू को, वो नैंड है वो सीपीयू को वो डाटा प्रोवाइड कराती है इस तरीके से। तो ये डाटा मिलेगा। अब तो हम यहां पर बोल सकते हैं ये हमारा हो गया दसवां पॉइंट। और अब हम बात करते हैं कि सीपीयू को कंट्रोल कैसे करना है पीएमयू को, तो क्योंकि सीपीयू को भी तो पीएमयू को कंट्रोल करना होगा ना भाई। सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने ये पीएमयू से वोल्टेज लिए, सीपीयू ने अपने लिए फ्रिक्वेंसी बनाई, सीपीयू ने डाटा लिया, सीपीयू ने एक रिसेट लाइन ली इनिशियलाइज होने के लिए। अब सीपीयू को कंट्रोल करना है कि हाँ भाई अब तू मेरे हिसाब से काम कर। अब तो उसको कंट्रोल करने के लिए, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर अलग से बना लेता हूँ, तो ये मेरा पीएमयू सर्किट हो गया, पीएमयू सर्किट हो गया। तो पीएमयू सर्किट बेसिकली दो लाइन यहाँ पर सप्लाई सीपीयू को देगी, ये देगी आई टू सी यहाँ पर एस डी ए, और ये देगी आई टू सी यहाँ पर एस सी एल, जो ये सप्लाई आपको जाने वाली है यहाँ पर सीपीयू आईसी में। तो बेसिकली ये आई टू सी लाइन भी आपको चेक करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लाइन आपकी ओपन है तो किसी प्रकार का एरर आ जाएगा, फोन बूट नहीं करेगा, लोगों पर रहेगा फोन को, इस तरह के कुछ फॉल्ट आ जाएगा फोन में, जिसको डिटेक्ट करना बहुत दिक्कत की बात होती है। पर अगर आपको में नॉलेज है तो आप कुछ भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कंट्रोलिंग के लिए।
पर अब मैनेज कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल देख, एक चीज ये होती है कि मैंने कंट्रोल किया, हाँ भाई कंट्रोल करना है, अब मैंने मैनेज करना है, मुझे इसको बताना है कि तुमको कितना पावर कब प्रोवाइड कराना है, तुमको कितना पावर कितना कब किस टाइम के लिए चाहिए, तो रिक्वायर्ड तुमको चाहिए पहले से ही उसको रख लेना है। तो ये करने के लिए भी पीएमयू को सीपीयू से दो सिग्नल मिलते हैं जो कि मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ। सो पीएमयू और इसको जो सिग्नल मिलते हैं इसको हम बात करेंगे सीपीयू से, दो सिग्नल मिलते हैं। सो वो सिग्नल मिलता है एस पी एम आई, ये भी एसडीए डाटा और एससीएल आपका सिस्टम, एक्सएल मतलब क्लॉक की सप्लाई। सो ये एसपीएमआई सप्लाई क्या काम कर रही है, ये बेसिकली ये कंट्रोल तो इन्होंने कर दिया कि भाई मेरे को कंट्रोल कर दो, भाई मेरे को कंट्रोल है कि भाई इस तरह से मैं तुमको कंट्रोल करूंगा। सो बट यहाँ पर ये सीपीयू इसको मैनेज करना चाहता है कि किस तरीके से तुमको कब कौन सा वोल्टेज प्रोवाइड करवाना है। सो ये सप्लाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एसपीएमआई। तो एसपीएमआई सप्लाई, सो बेसिकली I2C दो सप्लाई होती है, I2C HDI, I2C SCL, और यहाँ पे SPMI भी दो सप्लाई है, HDI और SCL आपको यहाँ पर ये सप्लाई देखने को मिलेगी बेसी। और जिसमें से हम बात करेंगे जो क्लॉक की सप्लाई है ये आपको CPU टू PMU जाएगी, और जो डाटा की सप्लाई है वो जाती है और इनपुट को, कि वो जो कमांड दे रही है वो फीडबैक लेना चाहती है कि हाँ भाई तुमने क्या डाटा हमसे लिया है, तो वो फीडबैक लेने के लिए HDI की सप्लाई है, सेम चीज यहीं पे वर्क करेगी। अब इसके बाद तो बेसिकली दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर आईफोन X काम करता है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब एक ये IC छूट गई है तो मैं इस IC को भी डिटेलिंग कर देता हूँ। क्या होता है कि इस IC को भी VDD मेन जाएंगे पर बाया बूस्ट कॉयल के थ्रू जाएंगे। ये कंडक्टिव कॉयल है, ये इसको हम इंडक्टर बोलते हैं। सो बेसिकली क्या करता है कि अगर मान लो आपका वोल्टेज, इसको है ना इस आईसी का भी नाम है 3.4 वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज आईसी बोलते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारा फोन में वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज लो हो गया और वो 3 के कम हो गया, फॉर जनरली वो 2 वोल्टेज हो गया, तो आपका फोन तो चालू होगा ही नहीं। तब दौरान आपका पावर आईसी इस वोल्टेज को एक ई एन सिग्नल देगा, इस वोल्टेज इस आईसी को एक ई एन सिग्नल देगा, और ये आईसी इस इंडक्टर से वोल्टेज को बूस्ट करेगी और रिमेनिंग आपको यहां पर 3.4 वोल्टेज को यहां पर बनाए रखेगी ताकि आपका वोल्टेज बना रहे और आपका फोन चालू हो जाए। बेसिकली ये जो आईसी है ये फोन के लाइफ को एक्सटेंड करती है। तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए आपकी बैटरी आपने चार्ज नहीं की और बहुत ज्यादा ड्रेन हो गई है और वो वोल्टेज 2 में ड्रेन हो गई है, तो उसको वापस 3.4 वोल्टेज एटलीस्ट मोबाइल फोन चालू हो जाए। सो इतना वोल्टेज में बढ़ाने के लिए ये बूस्ट वोल्टेज आईसी बनाई है जो कि इस इंडक्टर से इसको बूस्ट करती है, और ये तब करेगी जब पीएमयू उसको एक ईएन सिग्नल देगा, हाँ भाई मुझे वोल्टेज बहुत लो मिल रहे हैं, अब मुझे ईएन सिग्नल इसको दे देता है, तो बेसिकली ये इसको आगे बढ़ा देती है। और दोस्तों यहाँ पर ये बचते हैं 2 लाइन, तो इसमें से ये जो 2 लाइन है इन 2 लाइनों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये 2 लाइन भी आपकी इस चार्जिंग आईसी से होते हुए सीपीयू आईसी में यहाँ पर जाती है। सो बेसिकली ये जो 2 लाइन है यहाँ पर, सो ये होती है आपकी SMC I2C 0 SCL और ये होती है SMC, बेसिकली ये HDA होती है और ये होती है I2C 0 SDSCL। तो ये जो 2 लाइन होती है ये बैटरी की इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेम चीज वो आपको सीपीयू को मिलती है। ये बैटरी की इंफॉर्मेशन होती है कि बैटरी में कुछ भी किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है तो इस लाइन से हमको इसको चेक करना होता है। तो दोस्तों होपफुली ये आपको कुछ समझ में आया हो, और समझाने का तरीका मेरा थोड़ा फास्ट था उसके लिए, क्योंकि वीडियो बहुत, अगर मैं बहुत स्लो बोलता, मैं क्लास में बहुत स्लो बोलता, मेरे स्टूडेंट जानते हैं। और इसी तरीके से हम आपको बहुत डिटेलिंग में समझाएंगे, ऐसे आपको चाइनीज कभी नहीं समझा सकते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी आपको चाइनीज नहीं समझा सकते। कभी भी आपने कितनी भी आईफोन की क्लास पढ़ी होगी, आपको बताइए कि आपको इस तरह से आईफोन एस का बूट सर्किट बताया गया है कि नहीं बताया गया है, और अगर नहीं बताया गया है सो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो ताकि आप बेहतर काम कर सको। अब मेरे से लोग बोलते हैं सर मेरे पास में फ़ोन तो आया पर अब डेड है तो मैं कैसे चेक करूँ सर, मैं अब इसमें कितनी सारी चीज़ मैंने ली कि
चार्जिंग आईसी ने किस तरह से इसको कन्वर्जन किया, वीडीडी मेन क्या होता है, फिर पीएमयू जैसे इसको पीएमयू के आउटपुट वोल्टेज क्या होते हैं, पावर की कैसे काम करती है, ये इतने सारे क्रिस्टल क्या काम करते हैं, क्यों लगे होते हैं, ये इतने सारे ये जो अगर हम बात करें यहाँ पर ये ना ये बक लाइन होती है जिसमें आप बोलते हैं ना कि सीपीयू के पास और पावर आईसी के पास बेसिकली पावर आईसी का जो आपको बूस्ट कॉल देखने को मिलते हैं वो इस मैंने यहाँ पर लगा दिया, इस लाइन पर नहीं होता, जो बूस्ट कॉल आपको देखने को मिलेंगे तो वो क्यों होते हैं, बक लाइन क्या होती है, वो बक लाइन क्या होती है, वो पावर आईसी सीपीयू को बूट कराने के लिए एक वोल्टेज देती है, जो वोल्टेज मैंने आपको इस वीडियो में बताया, नहीं देखा तो पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो क्योंकि नॉलेज के लिए इतना ज्ञान आपको पैसों में ही मिलेगा जो कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर मिलेगा। ध्यान रखिएगा अगर इसको स्किप करोगे तो आपको कुछ भी आप सीखने लायक ही नहीं हो, फिर तो मैं ये मानता हूँ। 15 सेट ऑफ पावर वोल्टेज सीपीयू को मिलते हैं, सीपीयू को पूरा वोल्टेज मिलने के बाद सीपीयू फिर एक फ्रिक्वेंसी बनाता है अपने लिए और उसके बाद नैंड से डाटा लेता है और इसी तरह से नैंड को भी 3 सेट में वोल्टेज मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ सीपीयू एक रिसेट सिग्नल भी लेता है पावर से और उसके बाद सीपीयू 2 I2C लाइन जिससे हम पावर को कंट्रोल करते हैं और SMP ऐसे यहाँ पर SPMI जो जिससे हम पावर को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चार चीज़ें आपने यहाँ पर देखी कि पावर कैसे हमने पावर सबसे पहले समझाया, क्लॉक जैसे फ्रिक्वेंसी हमने समझाया, रिसेट लाइन हमने समझाई और डाटा जो कि हमारा आपका नैंड PCIe के थ्रू इन्फॉर्मेशन को आपको ये भेज रहा है तो ये आपका नैंड है तो किस तरीके से ये इसको काम कर रहा है। फिर मैंने आपको एक यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज आईसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरह से ये अगर हमारा बैटरी का पावर कम होगा तो ये इसको बूस्ट करके एटलीस्ट हमारा 3.4 पर रिमेमिंग कर देगा और हमारा फोन चालू रख देगा कुछ देर के लिए, मतलब एक तरह से लाइव स्टैंडिंग है, लाइव स्टैंड करता है। और फिर मैंने बताया है कि बैटरी के बाकी के 2 पॉइंट SMC और I2C लाइन बाय HDSCL की लाइन जो कि बैटरी इन्फॉर्मेशन होती है ये किसके लिए काम करती है। तो बेसिकली ये पूरा रहता है आईफोन X का आपका बूट सर्किट। इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए और अगर आईफोन रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो 15 मई से हमारा बैच है, 15 मई से हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल देते हैं, हम तो यहाँ पर पूरे कोर्स में गारंटी कोई नहीं देता, बट मैं देता हूँ कि आईफोन 3 CPU में आपको स्वैप करवाऊंगा गारंटी के साथ में, जिसमें A11, A8 और A10 3 CPU बेसिकली जो सबसे ज्यादा मार्केट में भी घूम रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम आप तो कैसा लगा आईफोन एक्स का बूट सर्किट। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों मैं सच बताऊं सिर्फ आईसी निकालना लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके के कौन सी आईसी कैसे आउटपुट निकालती है, पावर आईसी के क्या आउटपुट वोल्टेज होते हैं, सीपीयू के क्या वोल्टेज होते हैं, तो सारी चीज़ें हैं। EMMC वैसे ही आपको एंड्रॉयड में हम लोग समझाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जितना नॉलेज हम आपको दे सके उतना नॉलेज हम डेली अपडेट करते हैं। और अभी के इन दिनों में जब सरकार ने घर पर बैठा के रखा हुआ तब भी हम कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो वैसे ही आप भी अपडेट कीजिए अपने आप को ताकि आगे बढ़ते हुए समय में आप भी आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच। साथ में है 28 दिसंबर का बैच और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए, 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए, यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा हाथ नीचे कीजिए, आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को, एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, 5 बार सर, 3 बार, 6 बार किया, 3 बार, 2 बार, 6 बार किया, 3 बार, 5 बार सर, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार सर, 3 बार किया, 3 बार, 2 बार, 2 बार, 7 बार, फिर अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड, 7 बार, वेरी गुड, 2 बार सर, 2 बार, 3 बार, 2 बार सर, 2 बार, जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज, 3 बार, 6 बार किया आपने, 6 बार किया सर, 4 बार किया है, वेरी गुड, 5 बार सर, इसमें से 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, 2 बार सर, कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर आए थे बिल्कुल, आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है, सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है, सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है, यस सर भी बोलना है बात, ठीक है अच्छा ठीक है आदि चेहरे के लिए, आप किन किन ने 1 टाइम CPU निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ,
सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना। आठ बार बैठे रहकर, आठ बार किया तुमने? तीन बार सर। तीन बार? दो बार। नंबर बोलते रहो। दो बार। नंबर बोलते रहो बस। चौदह बार। क्या बात कर रहे हो इतना? दो बार किया। ये फेक तो नहीं बन रहा है? बताओ। तीन बार ऑन मोबाइल में? बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया। यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया? आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। पांच बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने छह बार। सर पांच बार, सात बार, दो बार। बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। पांच बार। तीन बार? दो बार। तो यहाँ पर आप लोग ने दो बार। तो चार बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.